राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अपने उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार करते हुए मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत की है। स्टेशन रोड स्थित बैंक से एटीएम मोबाइल वैन को बैंक के अधिकारियों ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के उपभोक्ताओं को घर पर एटीएम की सुविधा देगी। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अपने उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार करते हुए मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत की है। बाड़मेर की स्टेशन रोड स्थित बैंक की मुख्य शाखा से बुधवार को एटीएम मोबाइल वैन को बैंक के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से उपभोक्ताओं के लिए एटीएम मशीन की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत उपभोक्ताओं में एटीएम से नकद निकासी के प्रति समझ विकसित करने और उन्हें जागरूक करने को लेकर मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। बुधवार को इस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब यह मोबाइल वैन शहर के अलग अलग मोहल्लों और ग्रामीणों क्षेत्रों में जाकर बैंक के उपभोक्ताओं को घर पर ही एटीएम की सुविधा देगी। इसके साथ ही इस एटीएम मोबाइल वैन के जरिए बैंक के उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। बुधवार को शुरुआत के साथ ही पहले दिन एटीएम मोबाइल वैन शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंची। अपने ही तरीके की इस अनूठी एटीएम मोबाइल वैन को लेकर शहर वासियों में भी उत्साह और अचरज का माहौल नजर आया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से शुरू की गई एटीएम मोबाइल वैन की जानकारी प्राप्त करने को लेकर लोगों में उत्सुकता नजर आई। द्वारा मोबाइल एटीएम बैंक की सुविधा आरंभ की गई है, जो हमारे बाड़मेर और आसपास की जिले की सभी शाखाओं में और गांवों में भ्रमण करेगी और लोगों को अपने घर के द्वार पर एटीएम की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये सेवा प्रारंभ की गई है। 15 दिन तक बाड़मेर जिले में ये एटीएम वैन घूमेगी, गांव-गांव में घूमेगी और हर शाखा के क्षेत्र में जाएगी। हमारे द्वारा बैंक की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार भी इस मोबाइल वैन एटीएम द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से शुरू किए गए चलते फिरते एटीएम यानी एटीएम मोबाइल वैन पहले दिन शहर के विभिन्न मोहल्लों में पहुंचा। अब आगामी दिनों में यह मोबाइल वैन ग्रामीणों क्षेत्रों में पहुंचकर बैंक के उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही एटीएम के जरिए रुपए निकासी की सुविधा देने के साथ ही उन्हें जागरूक करेगी।